हेलो दोस्तों, हमारे इस टेल मी दैट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। दोस्तों, मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर मोबाइल कंप्यूटिंग आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, मोबाइल कंप्यूटिंग के ऊपर इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो देखें। आज इस वीडियो में जानेंगे कि मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर क्या होता है। दोस्तों, ये थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है। हमारे पास एक फिगर है दोस्तों, जहाँ पे ये हमारा यूजर इंटरफेस है, ये बिजनेस लॉजिक लेयर है, ये डाटा एक्सेस लॉजिक है। तो दोस्तों, हम जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है, डाटा को वो रिसीव कर सके और डाटा को रिट्रीव कर सके। डाटा को सेव या रिट्रीव करने के लिए हमें डाटाबेस की ज़रूरत होती है। इस केस में हम मान लेते हैं कि MySQL हमारा डाटाबेस है। अब डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डाटा एक्सेस लॉजिक। जो जावा यूज़ करता है वो JDBC ODBC का यूज़ करके कनेक्शन किया होगा डाटाबेस के साथ, और जो .NET यूज़ करता है उसके लिए रेडियो .NET होता है। अब डाटा को डाटाबेस में डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, अब डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे अब एक यहाँ पे दोस्तों एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल एम्प्लॉय का लेते हैं, जिसकी सैलरी का लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एम्प्लॉय $5 पर आवर अर्न करता है। अगर उसने 150 आवर काम किया है तो 150 × 5 हो जाएगा, यानी कि $750 हो जाएगा। ये बिजनेस लॉजिक लेयर होता है। अब ये लॉजिक क्या होता है, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो बिजनेस लॉजिक कहलाता है, और जो बिजनेस लॉजिक लिखेगा वो बिजनेस लॉजिक लेयर होता है। अब दोस्तों, बिजनेस लॉजिक जावा के केस में भी लिख सकते हैं और .NET के केस में भी लिख सकते हैं। यूजर को एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करना हो तो उसको इंटरफेस चाहिए, जिसके लिए यूजर इंटरफेस होता है। दोस्तों, तो अब हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ थ्री टायर आर्किटेक्चर। दोस्तों, अगर एक लेयर के अंदर कुछ चेंज हो रहा है तो वो दूसरे लेयर पे सिट नहीं करेगी। जैसे मैंने डाटा लेयर चेंज किया MySQL टू ओरेकल, तो हमें बिजनेस लॉजिक के अंदर कुछ चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही यूज़र इंटरफेस के अंदर। अगर बिजनेस लॉजिक को चेंज करना है, जैसे हमारे एम्प्लॉय की सैलरी 10% बढ़ गई है, तो बिजनेस लॉजिक पे काम करना है, हमें यूजर इंटरफेस एंड लॉजिक लेयर पे काम नहीं करना है। अब अगर यूजर इंटरफेस को चेंज करना है, जैसे कुछ बटन्स ऐड करना हो, कुछ रिमूव करना हो, तो सिर्फ हमें प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करना है। दोस्तों, अब हम देखते हैं जो ये थ्री टायर आर्किटेक्चर देखते हैं। ये हमारा थ्री टायर आर्किटेक्चर है। यहाँ पे टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये हमारा आर्किटेक्चर है थ्री टायर का। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि ये टायर 1 यानी कि यूज़र इंटरफेस उसको बोलेंगे, यूज़र इंटरफेस या प्रेजेंटेशन लेयर बोलेंगे टायर 1 को। अब टायर 2 जो है उसको प्रोसेस मैनेजमेंट और एप्लीकेशन लेयर बोल सकते हैं। तीसरा लेयर जो है वो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट और डाटा लेयर होता है। अब हम दोस्तों देखते हैं ये हमारा प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है। दोस्तों, ह्यूमंस जनरली डाटा को देख के सुन के डाटा को रिसीव करता है। इनपुट कराने के लिए कीवर्ड्स यूज होता है, वॉइस यूज होता है, टैबलेट पे पेन यूज होता है। ये सारे इनपुट कराने के मेथड्स हैं। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर सारी एप्लीकेशन होती है। अब दूसरा हम देखेंगे कि एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, जो कि हमारा टायर 2 है। बिजनेस लॉजिक एप्लीकेशन लेयर पे इम्प्लीमेंट होता है। बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ
और जो फंक्शनैलिटी होती है, जैसे नेटवर्क्स को मैनेज करना, नेटवर्क्स को सिक्योर करना या डाटा एक्सेस को स्टोर करना, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर पे होती है। अब ये फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मिडलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें पहला है हमारा मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर। दोस्तों, अगर हमने किसी इवेंट के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, यदि वो इवेंट पब्लिश होगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे पेयर टू पेयर कनेक्शन होता है। अब पेयर टू पेयर का मतलब होगा एक मशीन जो एज अ क्लाइंट एक्ट कर रही है, वो एज अ सर्वर भी एक्ट कर सकती है। अब देखते हैं कि सिंक्रोनस क्या होता है। अब देखते हैं कि एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है। इसका मतलब टाइमली मैनर में नहीं होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं naukri.com का। यदि हम इस naukri.com पे रजिस्टर्ड कर रखा है, तो जैसे ही कोई जॉब आएगी तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगी ईमेल के थ्रू। अब ये ईमेल तभी आएगी जब कोई जॉब आएगी, इसलिए ये एसिंक्रोनस है। इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है कि हर 2 या 3 रोज पे मेल आएगी। दोस्तों, दूसरा हमारा है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मिडलवेयर। जब ग्रुप ऑफ क्लाइंट एक ही एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट कर रही है, वो उनको उस एप्लीकेशन से मैप कराने का काम करती है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मिडलवेयर। अब एक एग्जांपल लेते हैं एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम का और कोई फ्लिपकार्ट या वगैरह वगैरह का, अमेजन का, तो ये दोनों ही ऑर्डर प्लेस करेगा। दोनों का डिफरेंट ऐप है। अब मान लेते हैं कि बहुत सारा कस्टमर टिकट बुक कराता है, तो वो उसको ग्रुप बनाएगा और उसको एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम का जो सर्वर है उसके साथ मैप कराएगा। अब दोस्तों, ये कुछ फिगर है जहाँ पे ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, इस साइड इधर हमारा क्लाइंट है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मिडलवेयर है। अब तीसरा मिडलवेयर जो है हमारे पास, वो है कम्युनिकेशन मिडलवेयर। एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन मिडलवेयर का यूज होता है। एक एग्जांपल लेते हैं हम टेलनेट का। दोस्तों, इसमें ये होता है कि अगर हम अपने सिस्टम में कंट्रोल पैनल में जाके टेलनेट क्लाइंट को टिक मार्क करते हैं, तो और जिस दूसरे सिस्टम को एक्सेस करना है तो दूसरे बंदे के सर्वर टेलनेट पे टिक मार्क होना चाहिए। अगर कमांड लाइन में जाके टेलनेट के साथ दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस डाल देते हैं, तो उसके बाद उस सिस्टम का यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे, तो उसका अपने सिस्टम पे उसका सिस्टम हमारे सिस्टम पे विजिबल हो जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं टीम व्यूवर का, तो इसमें आईडी एंड पासवर्ड आता है ओपन करने के बाद। अगर ये आईडी एंड पासवर्ड यदि हम दूसरे को बताएंगे, तो हमारे सिस्टम का जो हमारा सिस्टम जो है उसके सिस्टम पे अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, अब हमारा है नेक्स्ट डाटाबेस मिडलवेयर। दोस्तों, ये हम बता चुके हैं कि जो भी JDBC एंड ODBC का यूज़ करके जो हमारा डाटा स्टोर होगा, ये हम बता चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट मिडलवेयर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट्स। बेस्ट एग्जांपल है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट्स का। ये फ्रेमिंग और एरर हैंडलिंग को सिंप्लीफाइड करता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट मिडलवेयर है हमारे पास ट्रांजैक्शन मिडलवेयर। ट्रांसकोडिंग मिडलवेयर। दोस्तों, ट्रांसकोडिंग मिडलवेयर फॉर्मेट ऑफ डाटा को दूसरे में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब एग्जांपल लेते हैं
अगर हमने मोबाइल फोन से कोई वेबसाइट चलानी है तो उसके लिए HTML पेज नहीं चाहिए होता है, उसके लिए WML पेज चाहिए होता है। ये वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज होता है, ये HTML पेज को कन्वर्ट करता है WML पेज में। दोस्तों नेक्स्ट लेयर है हमारा डाटा लेयर। दोस्तों इसका इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, और ये जो हमारा डाटा होता है उस डाटा के लिए रिपोजिटरी के रूप में काम करता है। दोस्तों अब इस लेयर में हम देखेंगे सेलुलर कॉन्सेप्ट। पूरे सिटी को स्मॉल एरिया से डिवाइड किया जाता है और सभी एरिया कहलाएगा सेल। सेल के सेंटर में होता है बेस स्टेशन। हम जब भी कॉल करते हैं कहीं पे तो सबसे पहले बेस स्टेशन के पास जाता है, और अगर कॉल हमारे पास आती भी है तो वो बेस स्टेशन के थ्रू आती है। दोस्तों पहले एक हाई पावर का ट्रांसमीटर यूज होता था, मतलब वो बहुत लार्ज एरिया को कवर करता था। इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी रीयूज करना इम्पॉसिबल था। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम, इसको फ्रीक्वेंसी बैंड कह सकते हैं। ये हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस होता है, मतलब एक सिग्नल अगर 50 KHz पे ट्रेवल कर रहा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसकी 30 KHz पे ट्रेवल करती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, और 50 KHz से ज़्यादा पे भी ट्रेवल नहीं कर सकता। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 KHz एंड मिनिमम 30 KHz है, मतलब मिनिमम ऑसिलेशन उसकी 330 ऑसिलेशन इन 1 मिनट्स। 30 KHz साइकिल पूरी होनी है 1 सेकेंड में, यानी कि 30 KHz मतलब 30,000 साइकिल इन 1 सेकेंड, एंड 50 KHz मतलब 50,000 साइकिल इन 1 सेकेंड। टू बैंडविथ इसकी तो बैंडविथ इसकी क्या हो जाएगी, 50 - 30 यानी कि 20 KHz। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इससे पहले यदि आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों शेयर करना ना भूलें।